मित्रों, आज संत रविदास जी की जयंती है। 14वीं सदी के भक्त युग में माघी पूर्णिमा के दिन रविवार को काशी के मड़ुआडीह गांव में रघु व कर्माबाई के पुत्र के रूप में जन्मे इस विभूति ने भले ही चरमकारी के पैतृक व्यवसाय को चुना हो, मगर अपनी रचनाओं से जिस समाज की नींव रखी वह वाकई अद्भुत है। पेशे से चर्मकार रविदास जी अपने आजीविका को धन कमाने का साधन बनाने की बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया। संत रविदास जी ईश्वर की भक्ति का परिपूर्ण विश्वास करते थे। उनके वाणी की मधुरता और ज्ञान से सभी प्रभावित होते थे। उनके द्वारा कहे शब्द, दोहे, पद और अनमोल वचन आज भी हम सभी को सदैव आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं संत रविदास जी के कुछ अनमोल विचार। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। दूसरा सुविचार जो आपने पाथेय हमें दिया है, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गूढ़ प्रवीण। तीसरा अनमोल वचन जो आपने हमें दिया है वह है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नकर कु नीच करिडारी है ओछे कर्म की कीच। दोस्तों, आपका अगला विचार जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म न दे। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को बीन सकती है, परंतु एक विशालकाय हाथी ऐसा नहीं कर सकता। अगला विचार है कि मोह माया में फंसा जीव भटकता रहता है, इस माया को बनाने वाला ही मुक्तिदाता है। और आखिरी विचार जो मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है और सब लोग इसको जानते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी बात घूम फिर के वही आती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं होता। अगर उसका मन चंगा है तो कठौती में गंगा आ ही जाती। संत रविदास जी हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। हमें इनका पाथेय प्राप्त हुआ यह हमारा सौभाग्य है। इसी के साथ मैं आप लोगों से पुनः विदा लेता हूं। धन्यवाद।